नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। तरनतारन के पट्टी शहर के नौजवान की धार्मिक यात्रा के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। गांव के शमशान घाट में सेहरा बांधकर किया गया अंतिम संस्कार। अमृतसर के थाना छेरटा की पुलिस ने अलग अलग मामलों में तीन नशा तस्करों को किया काबू। 365 ग्राम हेरोइन, 2000 रुपयों की ड्रग मनी, एक स्विफ्ट कार की बरामद। अमृतसर के थाना रंजीत वेन्यू की पुलिस ने अलग अलग मामलों में तीन आरोपियों को किया काबू। 300 ग्राम हेरोइन की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। जिला तरनतारन के पट्टी शहर के नौजवान सुखमन पाल सिंह की श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी मृतक देह को पारिवारिक सदस्य पट्टी लेकर पहुंचे और पट्टी के शमशान घाट में सुखमन पाल सिंह का सेहरा बांधकर अंतिम संस्कार किया गया। सुखमन पाल सिंह अपने तीन और साथियों के साथ 12 जून को पट्टी से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए रवाना हुआ था। जब वे श्री हेमकुंड साहिब से लगभग 300 मीटर की दूरी पर था तो उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस दौरान वहां पर उसका कुछ व्यक्तियों द्वारा मदद करने की कोशिश भी की गई थी। मृतक नौजवान को हेलीकॉप्टर द्वारा नीचे लाने की मदद मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर की मदद नहीं दी। बिखीपिंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। भाई सुखमन पाल सिंह उन्हों का नाम से संप्रदाय बाबा बिधी चंद साहब जी तो लंबे समय तो सेवा निभाते आ रहे हैं। बाबा गुरबंद सिंह जी की रहनुमा हेठ तो हूँ भी उन्होंने पहरा इतने पट्टी गुरद्वारा ललकार साहब विखे लग्या जी। आ कुछ दिनों तो श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा आरंभ हुई है तो यात्रा करन अगे हर साल जाते हैं, इस बार भी गए आ। तो यात्रा दौरान कुछ कहिंदे 300 मीटर का जिहड़ा वो पेंड आ रह गया सी ते राह दे विच उहनां दी जिहड़ी डैथ हो गई है साह ना मिलन करके, ते उत्थे हस्पताल दी कोई प्रॉब्लम होण करके सिंह जिहड़ा वो चढ़ाई कर गया वा। बड़ी दुखदाई घटना वा, इत्थे परिवार नूं बहुत वड्डा घाटा वा। उत्थे संप्रदाय बाबा बिधी चंद साहिब जी दे जानशीन महापुरख संत बाबा गुरबचन सिंह जी इस दुख भरी घड़ी दे विच जिहड़ा परिवार दे नाल आ मोढे नाल मोढा जुड़ के खड़े ने। संप्रदाय नूं वी बहुत वड्डा घाटा पिया वा, क्योंकि सिंह सेवादार भी बहुत वड्डा सी ते सूरबीर भी बहुत वड्डा सी, इस करके सिंह दा जान दा बहुत वड्डा घाटा पिया वा। हाँ जी बाबा जी, इन्हां दे कोई माता पिता कोई भैन भरा सन? हाँ जी माता पिता, माता हैगी आ ते पिता दी डैथ होई आ ते इत्थे ताया ताई दे कोल रहिंदे आ। हाँ जी, एक उन्हां दी सिस्टर आ भैन उन्हां दी। नहीं, उन्हां दी शादी नहीं होई सी, अनमैरिड सन। बाबे बिधी चंद जी समुदाय का बड़ा प्यार ही सेवादार ही उन्होंने। हेमकुंड साहब की यात्रा लिए गए जी 12 तारीख को, उत्थे दस दिया 300 मीटर पहले ही ऑक्सीजन घट हो गई, साइलेंट अटैक हो गया। जिधर अटैक होंगे उदो पहले 4 बजे अपनी मां नूं फोन किया इन्हें कि मैं 11 बजे स्नान करके मत्था टेकना, तुसीं टीवी ऑन कर लो, PTC उत्ते लाइव टेलीकास्ट चलन दिया, मैं तुहानूं उत्ते दिखूंगा। पर 300 मीटर पिछे ही इहदा ऑक्सीजन डाउन हो गई ते साइलेंट अटैक हो गया। बड़ी दुखदाई घटना जी, अज तो 6 साल पहलों इहदे पिता जी की डैथ हो गई। कला कला वा, एक भैण है गौरवजीत कौर, उहदा विआह हो गया, मैरिज हो गई उहदी, ते इह कला कला माँ का पोते ही अमनदीप कौर का। बहुत दुखदाई घटना जी, उहदा कोई नेहरा ही हो गया उहदे घर च। ऑक्सीजन जारी डाउन हो गई है। वेखो जी, श्रोमणी कमेटी का प्रबंधक है, इन्हां नूं तां गोलकना मतलब है। उत्थों की जी उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उन्होंने भी उत्थे फैसिलिटी देनी चाहिए है। इन्ना चढ़ावा चढ़ता, इन्नी आमदन आ, पर फैसिलिटी कोई नहीं।
जे गवर्नमेंट नूं पता वा, प्रशासन नूं पता वा, कमेटी नूं पता कि उत्थे आक्सीजन घट आ, पर उत्थे आक्सीजन का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि संगतां बड़े जोश शोर नाल जांदियां ने, पर आक्सीजन की कमी करके प्रशासन की नलायकी करके ये मुंडे की डैथ हुई है। सुन च आया कि एक तंत्र का मुंडा 22 साल का, एक दिन पहले वो भी डैथ हुई, एक अमृतसर का इंस्पैक्टर भी इस कारण डैथ हो गया आक्सीजन, पर नलायकी है कमेटी की प्रशासन की। मंग करते हैं जी उत्थे सहूलत दे, जे संगत नहीं जाते संगत नूं जाण ही ना दिता जाए, उत्थे प्रबंध बंद कर दिता जाए, जे जान दिता जाना तो उत्थे आक्सीजन का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि आक्सीजन की कमी उत्थे बहुत ज्यादा है हाइट के करके। अमृतसर पुलिस कमिश्नर रंजीत सिंह ढिल्लों के दिशा निर्देशों पर लूटपाट तथा नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना शेरटा की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब नशे के खिलाफ अलग अलग मामले में 3 आरोपियों को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी सरमेल सिंह ने बताया कि थाना छेरटा की पुलिस पार्टी द्वारा 3 अलग अलग मामलों में 365 ग्राम हेरोइन, 2000 रुपयों की ड्रग मनी, एक स्विफ्ट कार सहित 3 नशा तस्करों को काबू किया गया। उन्होंने कहा कि ये भी जांच की जा रही है कि पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी कोई मामला दर्ज है या नहीं। वही उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। असीं 3 मुकदमे दर्ज किए जी एनडी दे, एक मुकदमा नंबर 86 है जी, ये दोषी गुरसेवक सिंह उर्फ सेवक पुत्र दविंदर सिंह वासी घनूपुर काले, ये को 100 ग्राम हैरोइन बरामद की है। एक मुकदमा नंबर 88 ये रणजीत सिंह एलियस रंगा सन ऑफ जसवंत सिंह बाबा जीवन सिंह कलोनी मरूकी बिडाड़ी, ये तो 255 ग्राम हैरोइन बरामद हुई है जी। एक तीसरा मुकदमा जी 99 नंबर, ये राम सिंह एलियस लड्डू पुत्र जोगिंदर सिंह आबादी नानकपुरा गुरु की बिडाड़ी, ये तो 10 ग्राम हैरोइन बरामद हुई है जी। ये सारे दे आप कनैक्ट है जी के कले कले ने जी वक्ो वक्? जड़ा पहला वा घनूपुर काले वाला जी, तो कला है जी, बाकी इन दोनों का लिंक आपस में जुड़ता है जी। ये सर कितों लैके आए नशा जी? ये अगे असं इन्हों फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक जोड़े वो पता कर रहे हैं, तो पता करने तो बाद जी अगला जो भी इन्हों पहले भी कोई मुकदमे दर्ज ने जी? हाँ जी पहला दर्ज है जी। रिमांड वगैरह मिले जी? अच्छ पेश करा जी, पेश करके रिमांड लिया जाएगा जी। तो किन्नी मात्रा च सर टोटल जरा बरामद होया जी? 100 ग्राम एक और जी, 255 ग्राम एक है जी, 10 ग्राम एक है जी। अमृतसर पुलिस कमिश्नर रंजीत सिंह ढिल्लों के दिशा निर्देशों पर गलत तत्वों तथा नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम और ऑपरेशन कासो के तहत थाना रंजीत एवेन्यू की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब अलग अलग मामलों में 3 नौजवानों को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP वीरेंद्र खोसा ने बताया कि पिछले काफ़ी समय से पुलिस को इन 3 नौजवानों के खिलाफ शिकायतें आ रही थी कि ये नशा बेच रहे हैं, जिसके चलते उनकी पुलिस टीम ने अलग अलग टीमें बनाकर इन 3 नौजवानों को अलग अलग केसों में काबू किया। उन्होंने बताया कि इनके पास से 300 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई है और ये खुद नशे के आदी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मानयोग पुलिस कमिश्नर अमृतसर सरदार रणजीत सिंह ढिल्लों जी हदायतों के अनुसार जो अमृतसर पुलिस वालों नशे के खिलाफ नो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत मुहिम शुरू की गई है, इस मुहिम के तहत अमृतसर के वक् वक् एरियाज़ के खास तौर पर जो नशे के हॉटस्पॉट्स ने उन्होंने कासो ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ड्यूरिंग कासो ऑपरेशन लोगों वालों सानू अलग अलग तरीके एनोनीमस होकर जानकारी दी जाती है कि उन्होंने एरिए नाम ज सरगना ज़्यादा तौर पर एक्टिव ने जो कि नशे का कारोबार करते हैं। इस दे तहत जो मुहिम चलाई गई थी, इस तो बाद साढ़े जगह जगह पर नाकाबंदी की गई है। नाकाबंदी तो मुलाजमान खास तौर पर नशे के लिए हदायत दी गई कि हर नाके से सर्च की जाए, खास तौर पर नशे मुख रखते हुए, जिस के तहत SHO रणजीत एवेन्यू तो उन्होंने टीम वालों नशे के खिलाफ बहुत व्डे लैवल से काम किया गया। इस दे तहत इन वालों वक्रे वक्रे 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जो कि इन्हों के एरिए काफ़ी व्डे मात्रा के नशे का कारोबार कर रहे सन। इस पहला नाम आ जी जो 80/24 मुकदमा रवि उर्फ निंजा
ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਪੁਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਐਨੂ ਦੇ ਲਾਲ ਕੁਆਟਰਸ ਇੱਧਰਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ NTPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਇਹ FIR ਨੰਬਰ 82/24 ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਉਰਫ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਪੁਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ 85 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। DIG ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸੁਬਹੇ 7:30 ਵਜੇ ਥਾਣਾ ਟਾਂਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੀ ਕਾ ਔਚਕ ਨਿਰੀਕਸ਼ਣ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਔਚਕ ਦੌਰੇ ਕਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਕੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਥਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੇ ਨੋਟ ਕੀਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਥਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸੁਬਹੇ 8 ਵਜੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੋਲ ਕੋਲ ਥਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਈ ਥੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਿਸ਼ਠ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਨਾ ਹੈ। SHO ਥਾਣਾ ਟਾਂਡਾ ਔਰ DSP ਟਾਂਡਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਪਰ ਸੋ ਰਹੇ ਥੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿਤੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਥਾਣਾ ਮੇਂ ਸੁਬਹੇ 9 ਸੇ 9:15 ਕੇ ਬੀਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਕਿ DIG ਕੇ ਦੌਰੇ ਸੇ 1 ਘੰਟਾ 45 ਮਿਨਟ ਲੇਟ ਥੀ, ਜਿਸਸੇ ਥਾਣਾ ਮੇਂ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਕੀ ਕਮੀ ਔਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਕਾ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਮੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਔਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀ ਕਮੀ ਕੇ ਕਾਰਨ SHO ਟਾਂਡਾ SI ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋੜਕਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਰੇ GOs SHO 73 SSP ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 7:30 ਵਜੇ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਰੋਲ ਕਾਲ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। SHO ਅਤੇ DSP ਟਾਂਡਾ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੁੱਤੇ, ਨਫਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾਈਟ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹਵਾਲਾ ਤੀਏ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ SHO ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ DSP SHO ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ SSP ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਰੇਂਜ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੰਸਰਨਡ GO SHO ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਫ ਨੋਟਡ ਓਵਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਫਿਲਮ ਕੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਸਰਬਤ ਕੀ ਭਲੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾ ਸ਼੍ਰਵਣ ਵੀ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਫਿਲਮ ਕੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਨਕੀ ਫਿਲਮ 21 ਜੂਨ ਕੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਏ ਹੈ। उन्होंने कहा कि जब भी उनकी कोई नई फिल्म आती है तो वे गुरु घर में माथा टेकने ज़रूर पहुंचते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग UK में हुई है, जिसके बाद इसकी शूटिंग चंडीगढ़ के आसपास हुई। उन्हें उम्मीद है कि इस फिल्म को दर्शक काफ़ी प्यार देंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक बार फिर महाराज के चरणों से अरदास बेनती करने आए हैं। थोड़े दिन पहले आए थे ਨੀਵੇਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਪਾਰਟ 2 ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ NRI ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੋਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਵ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੈਗਾ
इस स्टोरी थोड़ा ट्विस्ट है। तो पुखराज की जो एंट्री होंगी है साड़ी जिंदगी दे विच, तो फिर बड़ा उथल पुथल हो जाता है सारा सिस्टम ताना बाना फिल्म च जी। मैसेज ये फिल्म की कहानी जी है ना बड़ी टचिंग है। बहुत सारे तुसी केस सुने होंगे जिन्हां दे विच इंज होया कि इधरों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा के कुड़ियाँ जड़ियाँ ने उधरले पासे गई, जो मतलब ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਗਾਥਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰੀਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੀਤਾ ਮੈਮ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰੂਹਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਉਰੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟੂਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਬੈਠਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਨੀਤਾ ਮੈਮ ਨੇ, ਹਰਬੀ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਪਾਸਨਾ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ। ਇਹਦੀ UK ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। जालंधर के मोहल्ला राम नगर की ओर से संत कबीर जी की जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा रामनगर से शुरू होकर गांधी कैंप से होते हुए वापस रामनगर में संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने भाग लिया और संत कबीर जी की शिक्षाओं और उनके संदेश को याद किया। इस अवसर पर वशिष्ठ अतिथियों में पूर्व सांसद सुशील कुमार रिंकू, पूर्व CPS KD भंडारी, आप नेता मोहिंदर भगत, अमन जस्सी, प्यारे लाल शिवसेना युवा प्रधान दीपक भगत, भगवान वाल्मीकि कॉलोनी के प्रधान गौरव हार्स, कालू पहलवान, अविनाश मानक और नीटू शटरम वाला उपस्थित रहे। इस मौके पर कमल भगत, संदीप कुमार जीता, लकी प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार सोमनाथ और पम्मा ने भी शोभा यात्रा में भाग लिया और इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी ने मिलकर संत कबीर जी की शिक्षाओं को प्रसारित किया और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। जालंधर से हलचल की थी कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੈਤੀ ਕੰਮ 'ਚ ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਔਰ ਜੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੰਤੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਸ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲੋ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਉੱਠੋ। ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਜੈ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ। ਮੈਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਾਨਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਗਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਮਨਗਰ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੈ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ PPR ਮਾਲ ਮੇ ਫਿਟਨੈਸ 360 ਜਿਮ ਕਾ ਭਵਯ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ये जिम वीवा फिटनेस और तंदूरी द्वारा पावर्ड है। इस उद्घाटनी समारोह में IFBB चैंपियन भुवन चौहान, इंडिया रॉक IFBB चैंपियन दीपक नंदा और शॉकर इंटरनेशनल के मालिक विशाल गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
इस मौके पर जिम के मालिक अंकित अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ इस जिम को लॉन्च किया है। फिटनेस 360 जिम में कुल 7000 वर्ग फुट का क्षेत्र है और सभी उपकरण यूरोप से आयात किए गए हैं। ये जिम महिला और पुरुष प्रशिक्षण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है, जिससे सदस्यों को सुविधाजनक और सुरक्षित प्रशिक्षण का अनुभव प्राप्त हो सके। इस जिम में नवीनतम तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का प्रयोग किया गया है, ताकि जिम सदस्यों को सर्वोत्तम फिटनेस का अनुभव मिल सके। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। लकी कितना प्रॉब्लम, यानी कि आपको इक्विपमेंट एक से एक मिल जाएगा, जो आप यानी कार्डियो में दौड़ लोगे कार्डियो करते हुए आपके इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दूसरे के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, फिर फिटनेस के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, खुद उसे यूज़ करते हैं। जिसको भी अपनी बॉडी और एक्टिव और अच्छी बनानी है तो ईजिली जिम में आ सकता है और आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। एक अपील करती है, नौजवान आज के जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं, पंजाब सरकार की लगातार आप किस तरह से देखते हो और लोगों को क्या कहना चाहते हो जो आज के युवा हैं? अब अगर आप आपका टाइम देखोगे तो पहले से तो बेटर हो चुका है। आप बहुत कम यूथ हैं जो नशे में जा रहे हैं, वो भी बाहर आ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा आप नशा करते हो, ये मैं नहीं कहूँगा एकदम ही कोई नशा छूट जाता है, कोई भी गंदी आदत है एक गंदी नहीं छूटती। तो आप अपने आप को सोचो कि अपने आप को शीशे में रोज देख के अपने आप से पूछो कि आप कैसे रहते हो। जब अपने आप को देखो और अपनी फैमिली को देखो, और आपका सबसे बड़ा सवाल आपका आईना ही बता रहा था आप कैसे लग रहे हो क्या कर रहे हो। सिर्फ आप कोई भी नशा करते हो जल्दी नहीं छूटेगा, धीरे धीरे छूटेगा। एक घंटा अपनी लाइफ को दे दो या 45 मिनट दे दो कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइम वो नशा अपना धीरे धीरे छूट जाए। सर एक अच्छी फिटनेस है अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, अच्छी लाइफ के लिए क्या रोल निभाती है और आपके लिए क्या मायने है? अच्छी लाइफ देखो आज की डेट, जब कोविड आया था लोगों ने उसे सिखा दिया है लोगों को कि आपको कैसे जीना है या तो मर जाओ। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है। हम लोग आप पहले से ही बोलते हैं सबको कि मल्टीविटामिन लेने हैं, प्रोटीन इंटेक हाई रखना है, लिमसी खाना है। जब हमारी बात किसी ने सुनी, जब कोविड आया तो डॉक्टर ने बोला मल्टीविटामिन खाने हैं, लिमसी खाने हैं, तो लोगों ने भर भर के खाया उसे। तो हम जब बोलते हैं वो लगता है लोगों को एनकाउंटर थोड़ा जब डॉक्टर उसे सजेस्ट करके देता है तो लगता है अमृत दिया है। तो अपनी लाइफ को सिर्फ एक घंटा देना और अच्छी डाइट लेनी है और बड़ा काम नहीं है कोई। हमें तो एथलीट है, हमें करना है, हमें तो हमारा रूटीन है, हमारी जॉब है। लोगों के लिए जॉब होती है उसकी 6 घंटे 7 घंटे, जैसे बोन राई कहते हैं। हमारी सुबह से स्टार्ट होती है जॉब 5:30-6 बजे से और रात तक सोने तक चलती है। तो आपको सिर्फ नॉर्मल के नॉर्मल लाइफ स्टाइल अच्छी रखने के लिए एक घंटा इनफ है और अपनी डाइट अच्छा करना है। अच्छा लगा है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है। आपने जो बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छी एरिया में है, यहाँ का काफ़ी अच्छा एरिया है एंड जिम काफ़ी स्पेशियस है, हाई सीलिंग्स है, हाई सीलिंग्स की वजह से जिम और बड़ा दिखता है। आई थिंक इट एनर्जाइजेस यू, कोई भी इधर आएगा उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी बिकॉज ऑफ यू जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हाई सीलिंग्स, मशीन सारी ब्लैक है, थोड़ी ग्रास सारा बड़ा फर्क है। सो ओवरऑल इट्स वेरी बहुत काफ़ी एनर्जेटिक एनवायरमेंट है जिम का। सो आई थिंक जो भी लोग यहाँ पे आएंगे दे विल हैव अ वेरी गुड फोटो, विल फील ग्रेट। उनको इसका जो प्रोसेस है उससे उनको दे नीड टू फॉलो इन लव, जो अपना प्रोसेस है हर कोई को रिजल्ट चाहिए। मतलब आप कम्पीट करते हो तो आपको जीतना है, अगर आप जीतते हो तो फिर आपको प्रो कार्ड चाहिए, फिर उससे नेक्स्ट होता है। तो आप हर बार सिर्फ अपनी गोल को देख रहे हो और उससे ऑब्सेस हो। उससे बेटर ये है कि जो वो जर्नी है, जो वो प्रोसेस है, इट्स वेरी स्लो प्रोसेस बॉडी बिल्डिंग का। चाहे मेरा नाम अंकित अग्रवाल है। सर आज ने आप जो जिम की ओपनिंग की है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हमने ये जलंधर में हमारी एक टॉप ऑफ दी क्लास एडवांस्ड इक्विपमेंट के साथ हमने हमारा ये जिम लॉन्च किया है। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7,000 square feet। ओपनिंग के लिए हमने दीपक नंदा जी, मोहन चौहान दोनों IFBB प्रो चैम्पियन रहे हैं एंड मिस्टर विशाल गुप्ता हू इज़ दी ओनर ऑफ सॉफर इंटरनेशनल, दे ऑल वर आर चीफ गेस्ट जिन्होंने हमारे जिम की ओपनिंग की है आज। हमारे सारे इक्विपमेंट यूरोपियन हैं, टॉप ऑफ द क्लास है विद दी राइट मैकेनिज्म, और हम सारे सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए। हमारे पास सेपरेट स्पिनिंग स्टूडियो है, वी हैव अ सेपरेट ग्रुप क्लास स्टूडियो, ऑल आर ट्रेडमिल्स आर टच स्क्रीन। तो जो भी सर्विसेज हैं सारी टॉप नॉच है जो करंटली जलंधर में अवेलेबल हैं।
उत्तर भारत के सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर जलंधर सहित शहर के अन्य मंदिरों में निर्जला एकादशी पर्व बड़ी धूमधाम एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस दौरान भक्तों की ओर से पूजा अर्चना की गई व दान पुण्य भी किया गया। तो वहीं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के सहयोग से मंदिर में ठंडे मीठे जल की छबील के साथ साथ फलों का लंगर भी लगाया गया। इस दौरान पंडित रवि शास्त्री ने बताया कि शास्त्रों में मान्यता है कि निर्जला एकादशी के महत्व के तहत इस दिन व्रत करने वाला व दान पुण्य करने वाला मनुष्य मोह जाल से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वे उन्होंने कहा कि मोहिनी एकादशी के दिन पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है और धन यश और वैभव में वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि वैसे तो सभी एकादशी महत्वपूर्ण मानी गई है, जगत के पालनहार भगवान विष्णु को एकादशी तिथि समर्पित है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सभी पापों की मुक्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, सेवादार अमृतलाल अरोड़ा, सेवादार भारत भूषण ननचाहल, पवन मेहता, मनमोहन सिंह व अन्य भक्तजन उपस्थित रहे। जन्म संचार वंदनात् विमुक्षते नमस्तस्मै विष्णवे ब्रह्म विष्णवे। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का, जिसे हम भीम शैली एकादशी भी कहते हैं, निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज निर्जला एकादशी का परम पावन पर्व है। आज के दिन हम भगवान नारायण का चिंतन मनन स्मरण करते हुए ये जीवन को प्रसन्न करते हैं। आप शास्त्र कहता है कि वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। 24 एकादशियों में से अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त 23 एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है, वह निर्जला एकादशी का व्रत करे, उससे उसको पूरी 24 एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। आज जो निर्जला एकादशी का परम पावन पर्व है, आज के दिन आप निर्जला रह करके अर्थात बिना जल पान किए ही आप व्रत को रखें। लेकिन कहते ना आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, शारीरिक स्वस्थता को देखते हुए, शरीर को देखते हुए अगर आप निर्जला एकादशी नहीं रख सकते हैं, फलाहार व्रत अवश्य करें, क्योंकि व्रत आज के दिन अवश्य करना चाहिए। और व्रत करते हुए भगवान नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस बीजाक्षरी मंत्र का स्मरण करें, चिंतन करें, किसी प्रकार के आज व्यवधान में ना फंसे, किसी प्रकार के ऐसे अधर्म का कृत्य न करें जिससे आप पाप के कारक बने। इसलिए आज जितना हो सके अन्न जल, जितना हो सके दान करें और भगवान नारायण का चिंतन करें और उनकी कृपा को प्राप्त करें। फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से मुख्यतः मेन मंदिर मेन गेट के सामने छबीले खरबूजे का लंगर इत्यादि का आयोजन कार्य किया गया है। तो आप सभी भी जहाँ तक संभव हो अपने हाथों से अन्न का दान अवश्य करें, जल का दान अवश्य करें, फल इत्यादि का दान करें। अन्न का मतलब ये है कि किसी गरीब को भोजन कराना, किसी भी जो प्राणी है, जो जीव है, उनको भोजन इत्यादि कराना, यही धर्म है और इसी प्रकार धर्म की ओर अग्रसर रहें। कृपा रहे भगवान नारायण की। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय जालंधर में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को सायं 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये यज्ञ माँ के आदेश से निशुल्क किया जाता है। इस कार्रवाई के हवन यज्ञ में इंद्रदेव बबलू पंडित ने आई हुई अतिथियों को सम्मानित किया और कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भक्त माँ महाकाली के चरण पकड़ने माँ आपको सफलता की उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहाँ दुनिया आपके कदमों में होगी।
इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित शर्मा, संजय शर्मा, सुमित बिनी, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील, ज्योतिषाचार्य गौरव, देसरा शर्मा, गग्गू सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माता दी। कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा, माँ महाकालिका, माँ चंडी का दुख निवारण चंडी महायज्ञ आज लगभग 4 वर्षों से हर शनिवार को सायंकाल में किया जाता है, जिसमें बड़ी दूर दूर से भक्त आकर के माँ महाकालिका उस परम शक्ति का, माँ चंडी का आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इस शनिवार भी महारानी माँ चंडी को बहुत विशाल यज्ञ किया गया और आज मेरा जन्मदिन भी था, तो कालिका धाम के सभी भक्त और सेवादारों ने बहुत प्यार प्रेम सम्मान दिया। हमेशा ही सेवादारों के बल पर ही कालिका धाम के सारे कार्य हुआ करते हैं, महारानी करवाया करती है, साक्षात भगवती विराजमान है यहाँ पर। और श्रद्धा निष्ठा से केवल दर्शन और चंडी यज्ञ कर देने से इंसान के लगभग कामनाएँ पूरी होनी शुरू हो जाती है। आपकी निष्ठा सही हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, आपकी भावना सही होनी चाहिए, महारानी माँ काली कालिका धाम में बड़ी जल्दी आशीर्वाद देती है। देखिए हर जगह मंदिर है, हर जगह भगवती है, लेकिन जहाँ तप होता है, जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ तपस्या होती है, जहाँ व्रत होता है, जहाँ मंत्र जाप होता है, जहाँ वहाँ पर विशेष एनर्जी का वास होता है महारानी का, ऐसे कालिका धाम पर भी भगवती माँ काली की पूर्ण पूर्ण आशीर्वाद है, पूरी पूरी कृपा है। भगवती माँ हम सबका, आप सभी दर्शकों का महारानी मंगल करे, कल्याण करे, ऐसी कामना इस दरबार में हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। निर्जला एकादशी के अवसर पर एवन इंटरनेशनल फर्म व स्टाफ सदस्यों की ओर से ठंडे मीठे जल की छबील एवं लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर वासुदेव गुलाटी, गौरव गुलाटी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ठंडे मीठे जल की छबील लोगों में वितरित की। इस मौके पर गुरुचरण कोचर, नीरू कोचर, मानिक गुलाटी, गुरुशरण गुलाटी, सैमा गुलाटी, प्रदीप पुरी, अशोक गुलाटी, हनी गुलाटी, अर्शिया गुलाटी, कविता गुलाटी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। छबील लगाई गई है एवन रबड़ इंडस्ट्रीज के बाद, जिसे कि ठंडे पानी की और कुलचा और चने की सेवा की जाएगी। इस मौके पर अभी सारे शहर वासियों को बधाई देना चाहते हैं, जिहड़ा कि बज गज के ये त्यौहार मनाया जाता है और गर्मी बहुत है, गर्मी के सारा जो है छबील लगा के ठंडे जल की छबील लगा के सब लोगों को तृप्त किया जाता है।
रमन शिव मंदिर मोहल्ला बलदेव नगर किशनपुरा जालंधर में निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में ठंडे मीठे जल की छबील एवं फलों का लंगर लगाया गया, जिसमें अशोक महंत ने अपना विशेष योगदान दिया। इस अवसर पर महिला संकीर्तन मंडली की सदस्य उषा मल्होत्रा, रक्षा देवी, कोमल, रितु, गीता, मधु, प्रीति, मंजू सहगल, नीतू, विकास, संतोष, प्रतीक, जनत शर्मा सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। संतोखपुरा मार्केट होशियारपुर और जालंधर की तरफ से निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में ठंडे मीठे जल की छबील लगाएगी, जिसमें राकेश भास्कर, अंकित भास्कर ने अपना योगदान दिया। इस मौके पर मनी हनी, संदीप, विनय, राजपाल, सोनू छपड़ा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। इस बार भी ठंडे मिट्टी जल की छील लगाई है और सारी बार की साढ़ा सहयोग कर रही है और अभी हर कोई कामना नहीं कर रहे हैं कि सबू भला हो रुपया जय। बाबा राहुल शाह जी के वार्षिक मेले एवं निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में ठंडे मीठे जल की छबील जालंधर की बस्ती दानिशमंडा अड्डे पर लगाएगी, जिसका शुभारंभ सनी अंगुरान ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस मौके पर राहुल, जगमोहन, नीटा, राधिका, खुशी, सागर, राजन सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में श्री रामा मंदिर जालंधर छावनी की ओर से सब्जी मंडी चौक में ठंडे मीठे जल की छबील लगाएगी। इस अवसर पर चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू, प्रधान कमल चौहान ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस छबील का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंडित राजेंद्र कुमार राजू, सुनील चौहान, राजेश चौहान, ख्वाहिश नारायण शर्मा, राघव शर्मा, प्रभु दयाल, श्यामलाल पासवान उपस्थित रही। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर जालंधर कैंट, अध्यक्ष कमल चौहान, चेयरमैन रविंदर सिंह पप्पू, बाकी कमेटी पंडित हमारे राजेंद्र कुमार राजू जी, एनके जी और अपने नैनी कुमार नैनी, पूरी कमेटी साड़ी सारी साथ है। निर्जला एकादशी के उपलक्ष के बिच अज सवेर तो मिठा पानी जल जी रहा हो, तीन चार आटवा रूह अफजा ये सारी बनाई जा रही है। सवेरे 10 बजे तो लैके शाम के प्रभु इच्छा तक चलेगी और बड़ी बड़ी दूर से इतनी गर्मी का ग्रोप होने के बाद लोग यहाँ पानी पीने के लिए आ रहे हैं। हम धन्यवादी हैं श्री शीतल बेच जी का, जेड़े कि पूरे पंजाब में पूरे हिंदुस्तान में जिनका नाम है और हलचल उनकी तरफ से आता है। जय श्री राम, जय श्री राम। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। तरन तारण के पट्टी शहर के नौजवान की धार्मिक यात्रा के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, गांव के शमशान घाट में सेहरा बांधकर किया गया अंतिम संस्कार। अमृतसर के थाना छेरटा की पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 नशा तस्करों को किया काबू। 365 ग्राम हेरोइन, 2000 रुपयों की ड्रग मनी, एक स्विफ्ट कार की बरामद। अमृतसर के थाना रंजीत एवेन्यू की पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को किया काबू। 300 ग्राम हेरोइन की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।